आज की वीडियो में हम उन कानूनी पहलुओं पर विचार करना चाहेंगे जिनके अंतर्गत एक होस्टाइल विटनेस के ऊपर 340 सीआरपीसी की कार्रवाई की जा सकती है। हम यह भी देखना चाहेंगे कि क्या 340 सीआरपीसी की कार्रवाई से अधिक प्रभावशाली कोई दूसरी कार्रवाई भी हो सकती है, यानी कि जो विटनेस कोर्ट में आकर झूठ बोलता है उसके खिलाफ क्या ऐसा किया जा सकता है जो कानून सम्मत हो लेकिन उस झूठे विटनेस के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण कर सकने वाला हो। जो गवाह अपने पक्ष के विरुद्ध ही गवाही दे दे उसे पक्षद्रोही गवाह कहते हैं या होस्टाइल विटनेस कहते हैं। हमारी परंपरागत कोर्ट प्रणाली में आमतौर से होस्टाइल विटनेस के ऊपर जजों का, वकीलों का या पक्षकारों का ध्यान कम ही जाया करता था। जो भी गवाह होस्टाइल हो गया उसे डस्टबिन में डाल दो, उस गवाह को कोर्ट प्रोसीडिंग्स में से ही जैसे बाहर निकाल देते थे। लेकिन अब कानून की स्थिति बदल गई है। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि होस्टाइल विटनेस को यदि दूसरे साक्ष्यों का सपोर्ट मिल जाए, कोरोबोरेशन मिल जाए, तो आरोपी को सजा दी जा सकती है। और यह बात कही है 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम और जस्टिस बी वी नागरत्ना की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने। इस बेंच ने नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली क्रिमिनल अपील नंबर 1669 ऑफ 2009 में अपना निर्णय दिया है। इसमें एसीबी ने, एंटी करप्शन ने, एक आरोपी के ऊपर घूसखोरी का ट्रैप लगाया था लेकिन बाद में जो शिकायत करता था वह होस्टाइल गवाह बन गया। उस केस में यह निर्णय दिया गया था और क्योंकि यह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द्वारा दिया गया निर्णय था इसलिए यह भारत की सब कोर्ट्स के ऊपर बाध्यकारी था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नीरज दत्ता के केस में कि होस्टाइल विटनेस की जितनी गवाही कानूनन स्वीकार्य है वह कोर्ट द्वारा उपयोग की जा सकती है। इसी तरह से दूसरा बहुत महत्वपूर्ण और फेमस केस है राजेश यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी क्रिमिनल अपील नंबर 339 और 40 ऑफ 2014 जो 4 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था। उसमें कोर्ट ने कहा था कि अब का कानून यह है कि एक होस्टाइल विटनेस की गवाही को पूरी तरह से दरकिनार नहीं किया जाएगा, उसके जितने भी हिस्से कानूनी परीक्षणों से गुजरकर एडमिसिबल इन लॉ बन पाएंगे वे प्रोसिक्यूशन तथा डिफेंस दोनों के लिए अवेलेबल रहेंगे और उन्हें इस्तेमाल किया जा सकेगा। यदि वो किसी की डिफेंस में आते हैं तो डिफेंस में और प्रोसिक्यूशन में आते हैं तो प्रोसिक्यूशन में, वहां उनका इस्तेमाल किया जाएगा। जो गवाह अपने को बुलाए जाने वाले पक्ष के खिलाफ ही गवाही दे दें उसे होस्टाइल विटनेस कहा जाता है। एक केस था गुरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2001 2 SCC 2005। इसमें कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भारतीय कानूनों जैसे सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं भी होस्टाइल विटनेस का कहीं कोई जिक्र नहीं है, ऐसा कोई नाम आता नहीं है। यह अंग्रेजी परंपरा में बोले जाने वाला शब्द है। कौन सा शब्द? होस्टाइल विटनेस। इसका मतलब यह हुआ कि यह गवाह खुद को बुलाए जाने वाले पक्ष के हित में सत्य बोलने की अपेक्षा दूसरे पक्ष के प्रभाव में आकर बुलाने वाले पक्ष के विरुद्ध गवाही दे देता है। किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में होस्टिलिटी का जिन केवल तभी बोतल से बाहर आता है जब कोर्ट बयान के दौरान गवाह का बयान उसके पुराने बयान, चाहे वह बयान 161 सीआरपीसी हो या बयान अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी हो, उनके खिलाफ कोर्ट में बोला जाता है। क्योंकि सेक्शन 8 ओथ एक्ट, इसके अनुसार जब भी कोई व्यक्ति किसी कोर्ट में या ऐसे अधिकारी के सामने बयान देता है जो उसे शपथ दिलवाकर बयान देने के लिए अधिकृत हो तो बयान देने वाले के लिए सत्य और केवल सत्य बोलना अनिवार्य होता है। ओथ एक्ट होता है कि जब भी कोर्ट में या किसी अधिकारी के सामने कोई व्यक्ति लाया जाता है कि इसका बयान रिकॉर्ड करना है तो उस व्यक्ति को कैसे शपथ दिलाई जाती है, उस शपथ का क्या प्रभाव होता है, यह ओथ एक्ट में लिखा हुआ है। प्रेयर्स, यदि यह कानून को माने और वैसा ही आचरण भी करे और सत्य बयान दे तो ठीक है, लेकिन यदि झूठ बोले, कोर्ट में उसे होस्टाइल विटनेस घोषित कर दिया जाए तो क्या उस होस्टाइल विटनेस के खिलाफ कुछ एक्शन लिया जा सकता है कि उसने शपथ लेकर भी झूठ बोला है? और क्या वह एक्शन सेक्शन 340 सीआरपीसी की कार्रवाई शुरू करवा कर किया जा सकता है? कारण सीधा सा है, झूठ बोलने के लिए उसको होस्टाइल घोषित किया गया
और झूठे बयान के लिए उस पर सेक्शन 340 सीआरपीसी की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। तो क्या इस झूठ बोलने वाले विटनेस को, जिसे होस्टाइल विटनेस करार दे दिया गया है, क्या इस पर 340 की कार्रवाई शुरू कर दी जाए, यही हम देखने वाले हैं। आइए इसे समझते हैं, लेकिन पहले यह सुनिएगा। आप इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बनते हैं तो आपसे आपकी समस्या का पीडीएफ मांगा जाता है। वह पीडीएफ मिलते ही हमारे एडवोकेट्स की टीम उसका विश्लेषण करके आपको उस समस्या की दशा और दिशा बताती है, उसका एक संभव समाधान बताती है। वह क्वैशिंग, डिस्चार्ज या एक्विटल जो भी संभव हो सकता है आपको बता दिया जाता है। आपको आगे का रास्ता भी सुझाया जाता है और यह मुफ्त होता है। बिना फीस के आपका पूरा केस जांचा जाता है। आप भी मेंबर बने और अपने केस के सही समाधान को जाने। किसी गवाह को होस्टाइल विटनेस घोषित करने के लिए उसके कोर्ट में दिए गए बयान उसके पुराने बयानों के विरोध में होने चाहिए, जो उसने पुलिस आईओ को सेक्शन 161 सीआरपीसी में दिए थे, या शपथ लेकर मजिस्ट्रेट साहब के सामने सेक्शन 164 सीआरपीसी में दिए थे। तो यहां मजिस्ट्रेट साहब के सामने दिए गए बयानों के लिए तो ठीक बात है, हम जानते हैं सच बोलना चाहिए, लेकिन कानून का कहना है कि आईओ को दिए गए बयान भी हमेशा सत्य ही होने चाहिए, उसमें विटनेस को झूठ नहीं बोलना चाहिए, और यह बात सेक्शन 161 के पार्ट 2 सीआरपीसी में कही गई है। आप सामने स्क्रीन पर 161 पार्ट 2 सीआरपीसी को देख रहे होंगे। पुलिस आईओ को भी आप झूठी बात नहीं बता सकते हैं। और हम सबको यह भली प्रकार याद है कि सेक्शन 340 सीआरपीसी या कहें कि सेक्शन 195 सीआरपीसी उन अपराधों के लिए है जो या तो चैप्टर 11 आईपीसी के अपराध हों, जिनमें झूठा साक्ष्य और सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध अपराध किए गए हों, या फिर चैप्टर 18 आईपीसी के अपराध हों, जिनमें दस्तावेजों व सांपत्तिक चिन्हों संबंधी अपराध आते हैं, या इन दोनों तरह के अपराधों के लिए की जाने वाली कोई साजिश, प्रयास या उकसावे की कार्रवाई आते हैं। यहां वही अपराध है जिनका सार्वजनिक महत्व होता है। कोर्ट में आकर झूठ बोलने वाला गवाह, जिसे होस्टाइल कर दिया गया है, सेक्शन 340 सीआरपीसी में कार्रवाई का सीधा हकदार बनता दिखाई देता है। रही बात उसके प्रोसिक्यूशन की, तो उसके लिए सेक्शन 340 सीआरपीसी वाली वीडियो देखिएगा और लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए अब देखें कि क्या सेक्शन 340 सीआरपीसी के अलावा भी कुछ और हासिल हो सकता है क्या। उस वीडियो में जो 340 पर है, यह दिया गया है कि कौन कैसे एप्लीकेशन लगाएगा और कौन उसको सुनेगा, क्या इंक्वायरी होगी, पूरा अध्याय इस वीडियो में दिया गया है। तो जवाब है कि झूठ बोलने वाले विटनेस के लिए एक संभावना तो 344 सीआरपीसी में बनती है। यह कानून उस कोर्ट को एक्शन लेने के लिए सक्षम बनाती है जिसके सामने झूठा बयान दिया गया है। आपने देखा है सेक्शन 340 सीआरपीसी में तो वह कोर्ट जिसके सामने झूठ बोला गया है, सिवाय कंप्लेंट भेजने के कुछ और नहीं कर सकती है। सजा दूसरी कोर्ट देती है जिसमें कंप्लेंट भेजी गई थी, लेकिन सेक्शन 344 सीआरपीसी में कोई कंप्लेंट भेजे जाने की जरूरत नहीं होती है। वही कोर्ट जिसके सामने झूठा बयान दिया गया था, वही शुरू से आखिर तक यानी कि झूठे गवाह को नोटिस देने से लेकर जेल भेजने तक का सारा काम खुद और लगे हाथ कर देता है। सेक्शन 344 सीआरपीसी के अनुसार जब कोर्ट को यह लगता है कि इस गवाह ने इस कोर्ट में बिना किसी उचित कारण के झूठा बयान दिया है, तो वह कोर्ट उसे समरी ट्रायल का एक नोटिस देती है कि आपको इस कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए क्यों ना दंड दे दिया जाए। इसे कारण बताओ नोटिस या शो कॉज नोटिस कहा जाता है। यदि गवाह इस नोटिस के जवाब में ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं कर पाता है जो उसे सजा दिए जाने से रोकता हो, तो वही कोर्ट उसे तत्काल सजा देकर वहीं से सीधा जेल भेज सकती है। सेक्शन 344 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट तथा सेशंस जज यदि चाहें तो वे इस सावधानी से आरोपी को जेल भेज सकते हैं कि उसकी सजा 3 महीने से कम रहे, क्योंकि केवल कुछ ही विद्वान व्यूअर्स जानते होंगे कि यदि हाई कोर्ट 6 महीने से कम की सजा करे तथा मजिस्ट्रेट व सेशंस जज 3 महीने से कम की सजा करें, तो उस सजा के खिलाफ कोई अपील कानून में नहीं की जा सकती है।
इसके लिए विद्वान व्यूअर्स सेक्शन 376 सीआरपीसी को पढ़ सकते हैं। सवाल है कि कितने जज व मजिस्ट्रेट इसे पढ़ने की जहमत उठाते हैं। इस न्यायिक व्यवस्था में जितना गंद भरा पड़ा है उसमें ज्यादातर के जिम्मेदार तो ये डब्बू जी किस्म के जज व मजिस्ट्रेट होते हैं, जो जितना पब्लिक को दुखी करते हैं उतना ही भारत के न्यायतंत्र को भी गंदा करते हैं। सारा झूठ और करप्शन का साम्राज्य इन्हीं अधकचरे ज्ञान के उपासकों की बदौलत खड़ा हुआ है। इसलिए हमेशा की तरह हमारा आह्वान है कि यह हमारा देश है, हमारा कानून है, हमारा न्यायतंत्र है। जो मछलियां इसे गंदा करें उनको दोस्त करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। उनके हाईकोर्ट्स को, उनके हाईकोर्ट्स के रजिस्ट्रारों को, चीफ जस्टिस को तत्काल लिखा जाए। हम उन लोगों को राह दिखाते हैं जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल कर देते हैं। क्वेश्चनिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति आपको बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हम अपना अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो आपको देते ही हैं ताकि कोई झूठा गवाह आप पर हावी ना हो पाए। ट्रायल को केवल क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा ही निश्चित रूप से जीता जा सकता है। जो एडवोकेट क्रॉस को ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं वही केस को हार जाते हैं और उसके बाद वर्षों तक अपीलों में कोर्ट्स के चक्कर लगाते रहते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का यूआरएल आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।